यू ऑल आर रेडी, जंग के लिए तैयार है? रेडी, वेरी गुड। चले तो फिर जंग पे चलो। तब तक मैं पेज वेज खोलता हूं, पानी वानी पीना है जिसको पी लो। पोल्स जाएंगे सारे बच्चों के पास, टारगेट मेड एकेडमी चले जहां पर रहे उसका ये नाम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक जो होगा राइट्स ऑफ चाइल्ड के अकॉर्डिंग होगा, राइट्स ऑफ चाइल्ड जो मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो है, सॉरी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर जो हम लोग करा रहे हैं वो आपको अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। हर बच्चे को खेल और मनोरंजन के लिए अवसर मिलना चाहिए, ऐसा कौन सा राइट है जो बच्चे को खेलने और उसके मनोरंजन रिक्रिएशन प्ले एंड रिक्रिएशन का उसका हक दिलाता है। राइट टू बी ब्राउट इन द स्पिरिचुअल लेसन, प्रेम और प्यार का हक, खेल और मनोरंजन के लिए पूरा अवसर का हक। राइट आंसर्स, राइट आंसर्स इज व्हाट, सारे बच्चे अटेम्प्ट करें। जिनके पास पोल नहीं जाएगा कमेंट सेक्शन में करते रहेंगे, ठीक है, ओके। तो राइट आंसर्स इज अ सी, है ना। खेल और मनोरंजन के लिए राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड रिक्रिएशनस, यानी जो मनोरंजन का साधन है वो उसको अधिकार दिलाता है कि आप खेलने कूदने से नहीं रोक सकते, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। क्वेश्चन नंबर टू, एंड क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग देखेंगे कहता है कि किस हक के अंतर्गत बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंड विच अंडर द विच राइट डज अ चाइल्ड हैव टू इंटीमेट टू द फ्री एजुकेशन। सामाजिक सुरक्षा के लाभ का अधिकार, विकलांग के लिए विशेष देखभाल का हक, घर और राष्ट्रीय का हक, निशुल्क शिक्षा का हक, राइट टू अ फ्री एजुकेशन। द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज व्हाट, निशुल्क राइट टू फ्री एजुकेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह के जो है ना, वो क्वेश्चन के साथ आंसर सब कुछ मिला हुआ रहता है। अगर दिमाग थोड़ा सा लगोगे, यहाँ पढ़ोगे वही आंसर यहाँ रखा हुआ रहता है, ठीक है। चलो वेरी गुड, और चलो, कौन सा हक सुनिश्चित करता है कि बच्चों को समझदारी और सहनशीलता के वातावरण में पालना चाहिए, है ना, पालना चाहिए, यानी कि ऐसा कौन सा राइट है ना जो बच्चों को एटमॉस्फेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द टॉलरेंस को चीजों को बताता है, है ना। सामाजिक कौन दिलाता है, सामाजिक सुरक्षा के लाभ का अधिकार, समझदारी और सहनशीलता के भाव में पालने का हक। करेक्ट आंसर्स आप लोग पहले पोल कर ले, फिर मैं तो बताऊंगा ही। सामाजिक सुरक्षा के लाभ का अधिकार है, समझदारी और सहनशीलता के भाव में पालने का हक, प्रेम और प्यार का हक, विकलांगता के लिए विशेष देखभाल का हक। इसमें से कौन है, राइट आंसर्स इज टू, सेकंड जो राइट आंसर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर जो है उसकी बात हम लोग करेंगे। बच्चे की प्रेम और सुरक्षा के वातावरण में विकास का हक में क्या शामिल है, व्हाट इज द इंक्लूडेड इन द राइट ऑफ चाइल्ड टू डेवलपमेंट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ अफेक्शन एंड सिक्योरिटी। राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी फॉर द प्ले एंड रिक्रिएशन, राइट टू होम एंड नेशनलिटी, राइट टू स्पेशल केयर इफ हैंडीकैप्ड, राइट टू डेवलप इन एनी एटमॉस्फेयर ऑफ द अफेक्शन एंड सिक्योरिटी। दिस आर करेक्ट आंसर्स, क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर्स। अभी जितने भी क्वेश्चन बन रहे सारे के क्वेश्चन के साथ आंसर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सब बन जाएगा, कोई टफ नहीं है यहाँ पे। वेरी गुड, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर लगाया यहाँ पर, चले करेक्ट आंसर इज डी। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव, विच लेजिस्लेशन स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन अ हजार्डियस ऑक्यूपेशन एंड अ प्रोसेस। भाई कौन सा अधिनियम, नियम, कानून, जो भी कह सकते हो, एक्ट है
जो बच्चों को रोकता है ना 14 साल से कम उम्र में कोई हजार्डियस ऑक्यूपेशनल काम करने के लिए, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेटस पॉलिसी, फंडामेंटल्स ऑफ द राइट, राइट टू एजुकेशन एक्ट. द करेक्ट आंसर्स इज व्हाट? द करेक्ट आंसर्स इज व्हाट? आराम से सोचें, समझें, फिर लगाएं. लेकिन सारे लोग आंसर करो. चले, करेक्ट आंसर्स इज, करेक्ट आंसर्स इज ए, है ना. चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के लोगों को रोकता है. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 6. अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट रेगुलेशन 1980, इस एक्ट के अंदर में व्हाट इज द मिनिमम एज? ये भारत कॉमन, 15 बहुत कॉमन. कौन सा एज है जिसमें ये एक्ट रोकती है, किस एज से अंदर या कम कि आप कोई भी किसी भी प्रकार के इससे लेबर वाले काम को नहीं ले सकते हैं, इसको बाल श्रमिक नहीं बना सकते हैं, किस एज के अंदर तक ये एक्ट जो है अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 कितने एज के अंदर? द करेक्ट आंसर इज अ बिलो द 14 ईयर्स. वेरी गुड, राइट, बिलो 14 ईयर्स. ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7. कहता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट principles of the state policy, what is the obligations does the state have towards children aged 6 to 14 years? ऐसा राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत के अनुसार 614 वर्ष की आयु के बच्चों के प्रति राज्य का क्या दायित्व है? Providing the healthcare facility, healthcare policy provide करेगा, ensuring the free and compulsory education, protecting against the child labor, providing the employment opportunities. The what is the correct answer? What is the correct answer? Correct answers kya hoga? Aap log bataye A, B, C and D ke andar mein, in charo mein jo right answer hai, very good. Kuch bachche galat kar liye yahan par, theek hai, aur sare bachche ne attempt kiya, ye sabse badi baat hai. To is the right answers is B. इंश्योरिंग यानी मुफ्त और मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित कराना, इंश्योरिंग द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देते. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है. विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल एम्फसाइज द स्टे ड्यूटी टू सिक्योर द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन? कि ऐसा कौन सा प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, संवैधानिक प्रावधान कौन सा था जो राज्य का कर्तव्य सुनिश्चित करने के लिए जोर देता है कि कामकाजी बच्चों सहित श्रमिकों की सेहत और शक्ति को? फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कंट्रीज और स्टेट प्लीज. विच आंसर इज अ करेक्ट? समकालीन सूची है ना, ये क्वेश्चन है. विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविजनल इंफेसाइज द स्टेट ड्यूटी टू सिक्योर द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर? कोई भी वर्कर है उसके हेल्थ को, उसके कामकाज को सबको देखते हुए कि और साथ साथ इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चों लेबर एक्ट में ये कौन सा राइट्स कह सकते हो या कौन सा प्रोविजन सा क्वेश्चन में कराता है, ये है समकालीन सूची, कंक्रेंटल लिस्ट, जो कि इस तरीके को कहता है कि कोई भी अगर श्रमिक भी है तो उसको सेहत का, उसके हेल्थ का भी पूरी तरह से जो ध्यान है वो आपको रखने की आवश्यकता होती है, और बाल श्रमिक को तो नहीं करना. तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा उस सी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9. एंड इन क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द चिल्ड्रन लेबर एक्ट, अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, व्हाट डज द टर्म हजार्डियस प्रोसेस, यानी कि इस एक्ट के थ्रू चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंडर में ये टर्म हजार्डियस प्रोसेस बताया गया था, ये रेफर किस चीज को बताता है, क्या इस शब्द के क्या अर्थ होते, क्या इसका अर्थ उत्तेजक तापमान में काम करने वाली किसी भी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हजार्डियस, क्या अधिनियम के संशोधन 1 के तहत सूचीबद्ध किसी भी प्रक्रिया को, या एनी प्रोसेस दैट मे कॉज द हार्म टू द चाइल्ड एंड हेल्थ और सेफ्टी, एंड कोई भी ऐसा
जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मेजर्ड कराता हो, या फिर एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग द हैंडलिंग ऑफ द डेंजरस केमिकल, ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है ना, दिस क्वेश्चन नंबर 9 का इट इज द करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा सी, है ना, कि जो 19 चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 था उसमें तो हजार्डियस वर्ड या प्रोसेस जो इस्तेमाल किया है उसके मतलब ये थे, कहता है इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसा वर्क काम जो हार्म टू द चाइल्ड, बच्चों को नुकसान पहुंचाए हेल्थ के ऊपर और उसके सेफ्टी को लेकर के। मैं बताया था कि ऐसा नहीं कोई ऐसा काम में हम लगा सकते हैं कि वो जाए उसका बीमार पड़ जाए, या ऐसे जगह पे लगा दिए बर्फरे वाले बिल्डिंग पे, वो सेफ्टी है ही नहीं, गिरेगा मरेगा कुछ भी हो सकता, तो ये चीज नहीं कर सकते हम लोग, मतलब कोई भी नहीं कर सकता हम लोग। क्या, व्हाट इज द प्राइमरी, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस, याद आया और आप लोग को, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2002, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था, है ना, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन, क्या ये जो एक्ट है फ्री में एजुकेशन देती है, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द चिल्ड्रन इन द कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, लॉ के साथ कोई बच्चा अगर खेलवाड़ करता है तो उसको प्रोटेक्शन देना है, इंश्योरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर द चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट जॉब, ऐसा तो है रिजर्वेशन देगा बच्चे को गवर्नमेंट जॉब के अंदर में, प्रमोटिंग द चाइल्ड लेबर इन, तो ये जो कह सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस चिल्ड्रंस एक्ट 2000 था, ये इसके तहत हम लोग अगर देखते, इसका जो मुख्य उद्देश्य लाने का था वो ये था कि बच्चों जो प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, लॉ के साथ जो कॉन्फ्लिक्शंस है उसमें बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाना, और कोई किशोरावस्था में कोई घटना कर देता था उसकी क्या सजा होगी, उसकी कैसे होगी, उन सारे प्रावधान को इसके अंदर में लाएगा, क्योंकि समय के साथ आगे सुधारा भी गया जो अभी क्वेश्चन में आएगा अभी आप लोग के पास। 11 नंबर में आ जाओ, हु आर कंसीडर अ जुवेनाइल, सॉरी हाँ, जुवेनाइल्स अंडर द जुवेनाइल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, जुवेनाइल जस्टिस बच्चों का संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 2003 के अंतर्गत कौन युवा माने जाते, युवा मतलब किशोर है ना, यहाँ पे युवा किशोर को बोला जा रहा है, युवा मतलब यंगस्टर्स की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, किसको माना जाता है, पर्सनल 16 साल से 2000 के अकॉर्डिंगली 16 साल से नीचे वाले को, 18 साल से नीचे वाले को, 20 साल से नीचे वाले को, या 21 साल से नीचे वाले को, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज अ बी, 2000 के अकॉर्डिंगली, है ना, यहां पे हम लोग देखते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कह सकते हो 2000 जो था तो वो 18 साल को ही माना जाता है, 18 साल से जो नीचे होगा वो जुवेनाइल कहलाएगा, किशोर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा, विच इंटरनेशनल कन्वेंशनल इन्फ्लुएंस द अमेंडमेंट मेड टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इन 2000, यानी 2002 में कौन सा इंटरनेशनल एक कन्वर्सेशन बातचीत हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे, यूएन के साथ हुई थी, मैं बता ही देता हूं, जिसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट मेड टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, कन्वेंशनल ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, या क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें से कौन से कन्वेंशनल यानी कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय समझौता एक तरह से करता है जो प्रभावशील रहा था, इसके लिए तो बच्चों के जस्टिस के लिए, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2002 के अधिनियम में, राइट आंसर इज अ बी, वेरी सिंपल, कन्वेंशनल ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, माना इसके ऊपर ही बात हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर अ चाइल्ड लेबर, है ना, कि निम्नलिखित में से बाल श्रम के लिए रोकथाम के उपाय कौन सा है, थाम के उपाय कौन सा, रोकथाम बाल श्रमिक को रोकने के लिए कौन सा उपाय है भाई, क्या बच्चों के लिए अधिक काम का अवसर प्रदान करेंगे तो रुकेगा, आई गड़बड़ हो जाएगा जी, बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहेंगे तो रुकेगा, देखते क्या होगा, बच्चों को और अधिक घंटे काम करने के लिए प्रोत्साहित करो, एक दो घंटे के बदले 4 घंटा और काम करो, गड़बड़ है ये भी, बच्चों को खतरनाक स्थितियों में काम कराने की अनुमति देना, बहुत हम डेंजरस प्लेस पे जाओगे तो तुम
काम रो अपने डर जाओगे, काम करना छोड़ दो, ऐसा बताएंगे? नहीं. तो एज अ राइट आंसर इज अ मोटिवेट, चाइल्ड को मोटिवेट करता चिल्ड्रन टू द गो टू स्कूल. स्कूल जाने के लिए हमको क्या करना, उसको प्रॉपरली मोटिवेट करना. तो 13 का करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर इज बी होगा 13 का. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे अगर हम लोग आते हैं, कहता व्हाट डज द रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ द चाइल्ड लेबर इन द कम्युनिटी हेल्प द चॉइस. समुदाय में बाल श्रम के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए से क्या हासिल होता है? क्या हासिल होगा भाई? क्या अधिक बच्चों को काम करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए? खूब गड़बड़ है. परिवार को बाल श्रम के लाभों के बारे में शिक्षित करना, ये भी देखते क्या है. समुदायों को बाल श्रम के पहचानने और रोकने में मदद करना, उपरोक्त में से कोई नहीं. हेल्पिंग द कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज एंड प्रिवेंट द चाइल्ड लेबर. 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज सी. सी जो होगा उसका हेल्पिंग द कम्युनिटी रिकॉग्नाइज एंड प्रिवेंट अ चाइल्ड लेबर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15, सर यह महत्वपूर्ण क्यों है कि सुनिश्चित किया जाए कि काम कर रहे बच्चे को उनके नियोक्ताओं द्वारा कोई हानि नहीं पहुंचाई जाए. यानी ऐसा क्या है कि अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसको ये सुनिश्चित करना है कि भाई कोई बच्चा उसको कोई किसी तरह से जो काम पे रख रहा है उससे कोई उसको हानि नहीं पहुंचा पाए. बच्चों को और मेहनती बनाने के लिए, क्या बच्चे के अधिकार और भलाई की रक्षा करने के लिए, कार्यस्थल में उत्पादक बढ़ाने के लिए, समाज में बाल श्रमिक को बढ़ावा देने के लिए. द राइट आंसर इज अ व्हाट? राइट आंसर इज अ व्हाट? बच्चों को अधिकार और भलाई की रक्षा करने के लिए, बच्चों को और मेहनती बनाने के लिए, कमेंट सेक्शन देख लो, कुछ आवाज मैसेज आ रहा है. चलो वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज बी, बच्चों को अधिकार और भलाई की रक्षा करने के, बच्चों को जो अधिकार है उसके लिए. क्वेश्चंस नंबर 16. तो क्वेश्चंस नंबर 16 क्या है भाई? व्हाट टाइप ऑफ बच्चे के साथ जानबूझकर होने वाली हानि या चोट को कौन से प्रकार का अपशिक्षा कहते हैं, है ना? व्हाट टाइप ऑफ अब्यूज का अपशिक्षा बोलते हैं. इन्वॉल्व इन द इंटेंशनल हार्म, जानबूझकर अगर हम बेसिकली कहना इंटेंशनली अगर हम लोग करने चाहते हैं, और इंजुरी और इंजुरी या कोई तरह का डैमेज इनॉल जो भी करना चाहते हैं तू अच्छा है तो क्या होगा? इमोशनल को इंजुरी नहीं है. फिजिकल अब्यूज, एजुकेशनल अब्यूज और क्या सेक्सुअल अब्यूज. व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 के सही आंसर क्या आते हैं और देखते हैं आज के टेस्ट में किन बच्चों के लिस्ट में नाम आते हैं. करेक्ट आंसर इज व्हाट? व्हाट इज अ करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज फिजिकल अब्यूज, यानी बी. 16 का क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर. 17 नंबर पे आ जाओ. बाल शोषण का प्रबंधन करने का एक तरीका क्या है, यानी What is the one way to manage the child abuse effectively? Child abuse को manage करने का क्या effectively तरीका हो सकता है? क्या बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बच्चों को गलती के लिए सजा देंगे, खूब मारपीट करेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा? शोषण की reports को नजरअंदाज करें, जो इतने शोषण report बन के आ रहे हैं उसको क्या नजरअंदाज करने हो जाएगा? अपराधियों को इनाम देना शोषण बंद करने के लिए कि भाई तुम शोषण मत करो, तुमको हम इनाम दे रहे हैं, तो क्या ऐसा रास्ता निकालेंगे तो ये शोषण बंद हो जाएगा? नहीं होगा. तो एक्चुअली 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज ए, इंक्रीज द अवेयरनेस, लोगों के बीच ये जागरूकता बढ़ाएंगे अधिकार के, बच्चों के अधिकार के बारे में. क्वेश्चन नंबर 18,
करा है, उन बच्चों के लिए कौन सी सेवा आवश्यक है जिन्हें शोषण का सामना किया है, जिसने जिन्होंने जिन्होंने शोषण का सामना किया है, ताकि उन्हें ठीक करने में मदद मिले। कौन सी सेवाएं आवश्यक है जिसने शोषण का सामना किया है? वित्तीय सहायता, और यहाँ पे क्वेश्चन में हिंदी में एक जगह बेसिकली मिस्टेक है, इस चीज को याद रखना। पनिशमेंट फॉर द अब्यूज, इग्नोरिंग द सिचुएशंस एंड रिवॉर्डिंग द अब्यूज, यानी वित्तीय सहायता ए बी सी डी। कि यदि उन बच्चों के लिए कौन सी सेवा आवश्यक है जिन्हें शोषण, जिसका शोषण हुआ, इनमें से कौन सा सेवा दें, तो वो बच्चा अपने आप को फील करेगा कि मुझे कुछ मदद हुई है। फाइनेंशियल दे देंगे, पनिशमेंट फॉर द अब्यूज, अपराधी को सजा। फाइनेंशियल असेसमेंट इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर इज अ फाइनेंशियल असेसमेंट, उसको हम देंगे वित्तीय सहायता, पैसे राशि से मदद करेंगे, तो उसका शोषण अब नहीं होगा। अपराधी को तो सजा है, तो वो अलग चीज है, उसको सजा देने से जो बच्चे के अंदर जो जिन्होंने शोषण का सामना किया है उसको बहुत गुडविल फील नहीं होगा, उसको वित्तीय सहायता देंगे, पैसा लो, पढ़ाई लिखाई करो, बाकी चीज से तुम दूर रहो, बात खत्म। 19 में आ जाओ, विच टाइप ऑफ अब्यूज इन्वॉल्व depriving a child of educational opportunity, बच्चों को शैक्षिक अवसरों से वंचित करने वाले अब्यूज का क्या नाम है? इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, एजुकेशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज। ये क्वेश्चन एकदम सही होना चाहिए सबका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बच्चों को शैक्षिक एजुकेशन का अवसर से वंचित करने वाले अब्यूज का क्या नाम है? क्या इमोशनल अब्यूज, शिक्षा नहीं देती है, फिजिकल अब्यूज नहीं देती है, एजुकेशनल अब्यूज नहीं देती है, सेक्सुअल अब्यूज नहीं देती है? Which one of following is a correct answers? Which one of the following is a correct? A, B, C, D. The right answer is a C. Right answer क्या होगा? C होगा. Very good. काफी बच्चों ने right attempt किया. चलो, very good. Question number 20. भारत में बालिका हत्या और लिंगानुसार गर्भपात के लिए किसे मुख्य कारण माना गया है? फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड सिक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस इन इंडिया किस कारण से सबसे ज्यादा होता है? चिकित्सा की सुविधाओं की कमी होने की वजह से, दहेज प्रथा होने की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज है इतनी हार्ड कि उसको फॉलो नहीं होता क्या उसकी वजह से, रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास कुछ लोगों का है कि बेटी को है तो हटाओ, बेटा है तो रखो। व्हाट इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर? The right is a correct answer is a B. It's a Dory system. Very good. All are correct. One, एक क्या गलत हो गया? Very good. Question number 21. कहता किस योजना को 1992 में शुरू किया गया था ताकि बालिका हत्या को रोका जा सके और परिवारों को अपरिचित अब्यूज बच्चों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके? ऐसा कौन सा योजना था इसमें यदि किसी बच्चों को बालिका का हत्या हो जाता है, या फिर हम लोग बात करें या किसी बच्ची बच्चियों का कोई उसके साथ कुछ गलत व्यवहार हो जाता है, तो उसको गोद लेकर के उसको प्रोत्साहित किया जा सके? कौन सा योजना लाया था? कडल बेबी स्कीम, सेव गर्ल्स चाइल्ड कैंपेनिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, सेवा गर्ल्स चाइल्ड कैंपेनिंग, इनमें से कौन? बेटी बचाओ बेटी बचाओ, इतना ये आप लोग समझिए कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ 1992 में तो थे भी नहीं, ये तो मोदी जी का दिया हुआ सेंटेंस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो मोदी जी ने दिया, 1992 में मोदी जी कहां थे, वो तो पीएम थे भी नहीं। कडल्स कडल्स बेबी योजना, कडल मतलब क्या होता है? गले लगाना, यानी किसी को अगर शोषित हो गए तो उस बच्ची को कोई ले करके चलो उसको अपना बना लिया और उसको प्रोत्साहन दिया, पैसा का, खाने का, घर में रहने का सारा सुविधा, पढ़ाने का सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 22, 1986 के बाल न्याय संरक्षण अधिनियम के अनुसार बाल या नाबालिग, बालिक या नाबालिग कौन माना जाता है?
1986, यानी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986, हु इज द कंसीडर ए जुवेनाइल और अ चाइल्ड, एनी पर्सन बिलो द 18 इयर्स ऑफ द एज, एनी पर्सन बिलो द 16 ईयर ऑफ द एज, एनी बॉयज बिलो 16 ईयर एंड एनी गर्ल्स बिलो द 18 ईयर्स, एनी पर्सन बिलो द 12 ईयर्स ऑफ द एज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर जल्दी दे आप लोग। वेरी गुड, इज द करेक्ट आंसर इज द सी, एनी बॉय बिलो 16 ईयर एंड एनी गर्ल्स बिलो द 18 ईयर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एज पर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, हु इज द कंसिडर जुवेनाइल और चाइल्ड, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया आपके पास कि 2000 अधिनियम जो है 2000 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 था उसके हिसाब से कौन किसको जुवेनाइल में कंसिडर किया जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा एबीसीडी में फटाफट बताइए। एनी पर्सन बिलो द 18 ईयर ऑफ द एज, एनी पर्सन बिलो द 18 ईयर ऑफ द एज, एनी बॉय बिलो द 16 ईयर, रही दीदी अभी गड़बड़, एनी बॉय बिलो द 16 ईयर एंड एनी गर्ल्स बिलो द 18 ईयर, ये जो इसके ये जो इसको जो माना गया है जुवेनाइल, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 में माना गया था, और 2000 में कुछ नहीं अलग कर दिया, वो 18 साल से नीचे कोई भी रहेगा सबको मान लिया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, हु इज कंसीडर ए जुवेनाइल और चाइल्ड, कहा जाता है 2015 के जो के अनुसार बच्चों की रक्षा और संरक्षा अधिनियम के अनुसार बालक या नाबालिग कौन माना जाता है, कौन माना जाता है बालक, 2015 के एक्ट के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो कौन बालिक है कौन नाबालिक है, क्या कोई भी पर्सन 18 साल से नीचे होगा बालिक है, एनी पर्सन बिलो द 16 ईयर 16 ईयर है, एनी बॉय बिलो द 16 ईयर एंड गर्ल्स 18 ईयर्स एंड एनी पर्सन बिलो द 12 ईयर ऑफ एज, इसमें से कौन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, 2015 के अधिनियम के अनुसार यानी कि 2015, विच वन इज द करेक्ट आंसर, सो राइट आंसर इज अ ए, 2015 में भी यही हुआ था, कुछ बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन कुछ चीजें आई थी, मैं बताया था आप लोगों को कल कि 2015 में भी यही सेम था, 18 का 18 रहा था, लेकिन यदि किसी क्या कहते हैं जो व्यक्ति है जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं 16 से 18 के बीच में अगर आ रहा होगा तो उसके लिए कुछ अलग अलग प्रावधान क्या कहते हैं प्रावधान लाया गया था ना, 17-18 के आसपास जो भी था वो प्रावधान लाया गया था। ठीक है, 25 बाल न्याय अधिनियम के अनुसार किस प्रकार के अपराध में किसी मौजूद कानून के अंतर्गत कम से कम 7 वर्ष की कारावास होती है, कह रहा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू ऐसा कौन सा ऑफेंस है जिसके अंदर मिनिमम पनिशमेंट जो है 7 ईयर ऑफ इंप्रिजनमेंट यानी 7 साल का जेल मिल सकता है अंडर एनी एग्जिस्ट लॉ, किस लॉ के आधार पे, तो कौन सा क्राइम करेगा जो उसको मिलेगा अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्या हीनियस ऑफ राइट, घोर अपराध, जघन्य अपराध जिसको कहते हैं सीरियस यानी गंभीर अपराध, पेटी ऑफेंसेस यानी छोटा अपराध करेगा, और मॉडरेट ऑफेंसेस मतलब मध्यम अपराध करेगा, तो इसके में कौन से अपराध में जब ये करे कौन सा अपराध इसमें से क्या कहते हैं अपराध आएगा अगर वो क्या कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसमें 7 साल का प्रिजमेंट कम से कम मिल सकता है 7 साल का, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑफेंसेस, वेरी गुड, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति मैं बोल रहा हूं कोई भी पर्सन एनी पर्सन अगर वो क्या करता है उसको अगर 7 साल से
का इम्प्रिजमेंट मिलता है, सजा मिलता है, मिनिमम पनिशमेंट 7 साल का, तो इस एक्ट के आधार पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो ये कहता है कि इसने किस ऐसा हो सकता है कि ये कोई ना कोई जघन्य अपराध यानी घोर अपराध हीनियस ऑफेंसेस इसने किया है। तो ये जो था आज का आपका क्वेश्चन आंसर सेशन था, और आज के क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद मैं आपको बता दूं कि किस बच्चे ने क्या किया, परफॉर्मेंस रहा है, जैसा कि ऑलरेडी आप लोग को पब्लिश होगा ये आई थिंक, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट में आई है लक्ष्मी कुमारी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू लक्ष्मी कुमारी, एंड सेकंड इज अ प्रीति प्रिया, एंड ऑल्सो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और अंजलि कुमारी, दोनों में एक्चुअली कुछ अटेम्प्ट मिस हो गए, लेकिन करेक्ट आंसर प्रीति प्रिया अंजलि बराबर है। रॉन्ग आंसर्स में एक का ज्यादा एक का कम होगा, इसके लिए रैंकिंग ऊपर नीचे हो गया होगा। देखिए रैंकिंग का ऊपर नीचे होने का दूसरा भी रीजन है कि फास्ट टाइमिंग, अगर किसी ने 12वें सेकंड में दे दिया और किसी ने जाकर के 8वें सेकंड में आंसर कर दिया और बराबर सही लिखा, तो जो कम सेकंड में करा उसका ये आ जाता है रैंकिंग, ठीक है। इसलिए हम लोग ध्यान रखें, और अच्छा लग रहा, चले काफी कुछ चेंजेस आया आज के लिस्ट के अंदर में, है ना। तो आप लोग इसी तरह मेहनत करें, और मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली है कि एक दिन बेनिफिट्स जो मिलना है वो किसको मिलना है, आपको ही मिलना है। आप लोग की तैयारी इसी तरह चलते रहिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पोर्टल आपके इस पे ऐप पे अपलोड हो जाएगा, और बाकी आप लोग उसको देखेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टुडे, एंड वेल विशेस टू मीट अ टुमारो। कल हम लोग फिर से मिलते हैं, उसके लिए आप लोगों की शुभकामनाएं, ठीक है। किसी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल कुछ है तो मैं यहाँ पर हूँ, आप लिख सकते हैं। चैट बॉक्स ऑन करो।